भाजपा पूर्व गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी हुंकार, शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस दोबारा आई तो फिर पर्ची और खर्ची का धंधा होगा शुरू। कांग्रेस का जब जब शासन आता है खर्ची और पर्ची से नौकरी देने का काम होता है, खर्ची और पर्ची से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने हरियाणा में 1.5 लाख लोगों को नौकरी दिया, ना खर्ची ना पर्ची। आशापुर में गर्जी अमित शाह राहुल गांधी पर, अमित शाह का वार, क्या राहुल गांधी हैं झूठ बोलने की मशीन। ये झूठ बोलने का मशीन, ये राहुल बाबा कहते हैं कि अग्निवीरों को इसलिए योजना लाए हैं कि सरकार उनको पेंशन वाली नौकरी नहीं देना चाहती। अग्निवीर योजना केवल और केवल हमारी सेना। बादशाहपुर की जनता से अमित शाह ने किया वादा, कहा एक एक अग्निवीर को मिलेगी पेंशन वाली नौकरी, महिलाओं को 2100 रुपए देने का काम करेंगे। कर जाता हूं हरियाणा की माताओं को, बहनों को, आपके नौनिहाल में सेना में भेजते वक्त मत झिझकिएगा, हरियाणा के एक एक अग्निवीर को हरियाणा सरकार और भारत सरकार पेंशन वाली नौकरी देने वाली है, पेंशन वाली। गुरुग्राम में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस पर निशाना साधा, किया प्रहार, कहा दलाल और डीलरों ने जमीन नीलाम कर दी। नौकरी देनी हो तो घूस देनी पड़े, इनके दल्ले आ जाते थे, दलाल आ जाते थे, घूस मांगते थे। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाकर ऐसा शासन दिया कि डाकिया 51 रुपए का सगुन लेकर युवाओं को अपॉइंटमेंट ले। हरियाणा में जेपी नड्डा का दौरा, चुनावी जनसभा में बोले नड्डा, कहा हरियाणा में तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी का शासन देखा आपने, 2014 में हमें जीत हासिल कराई, आपने 2019 में हमको जीत हासिल कराई, और आप 2024 में तीसरी बार कमल खिलाने जा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत। हरियाणा में कांग्रेस पर जमकर बरसे जेपी नड्डा, कहा कांग्रेस सरकार में उद्योगपति हड़पते थे किसानों की जमीन, कांग्रेस का मतलब घोटाले पे घोटाला। क्या कांग्रेस पार्टी ने कोयला घोटाला, पंडुबी घोटाला, बालू घोटाला, चावल घोटाला, टैंक घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, 2G 3G घोटाला, न नम छोड़ा, न जल छोड़ा, न थल छोड़ा, न पृथ्वी छोड़ी, न समुद्र छोड़ा, न आकाश छोड़ा, तीनों में घोटाला किया तो ये कांग्रेस पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा को दी 5 गारंटियां, मुफ्त बिजली, सरकारी स्कूलों में शिक्षा, फ्री इलाज, रोजगार जैसे बड़े वादे किए। अब इस घंटे बिजली कर दूंगा, बिजली फ्री कर दूंगा, आपके जितने बकाया बिल पड़े हैं अभी तक, बकाया बिल हो जाते हैं ना कई बार, गलत बिल आते हैं, आदमी भरता नहीं है, किसी का 50,000, 70,000, 1,00,000, सारे बकाया बिल जीरो कर दिए जाएंगे, आपको भरने की जरूरत नहीं है। दूसरी गारंटी, जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार बनाए, आपके बच्चों के भी सरकारी स्कूल शानदार बनाएंगे, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, मुफ्त शिक्षा देंगे। सोनीपत में हेमंत विश्व शर्मा ने जनसभा को संबोधित किया, कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा हरियाणा में होगा बापू बेटे का सफाया। हटाखट वाला गारंटी तो आपका याद है ही, वो गारंटी कोई काम में आया? हिमाचल में गारंटी देके गया था, एक भी गारंटी काम में लागू हुआ? तो कांग्रेस का गारंटी पंपसर टायर जैसा है। मुकाबला कर किससे मानते हैं बीजेपी? किसी से मुकाबला नहीं है, लोगों का आशीर्वाद है। हरियाणा चुनाव में भारत जोड़ो जैसी राहुल गांधी की यात्रा, रूट में जिताओ सीटों पर रहेगा फोकस, 30 तारीख से शुरू होगी यात्रा, प्रियंका गांधी होंगी शामिल। जयराम रमेश पर अनिल विज ने कसा तंज, कहा कश्मीर धरती का स्वर्ग, 80% उग्रवादी घटनाओं में कमी आई।